आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पानीपत एक इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल स्कूल है जो कि शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए ब्लॉक बापोली में बनाया गया है। यह स्कूल एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, लीडरशिप और कम्युनिटी सर्विसेज में उच्चतम सेवाएं 2011 से प्रदान करता आ रहा है। आरोही स्कूल का ये सफर 108 विद्यार्थियों से शुरू किया गया था। एक हीरे को तराशने के लिए बहुत सारे लोगों की मेहनत, लगन और जज्बा लगता है। मेरा ये आरोही जो आज एक हीरे की तरह चमक रहा है, इसको चमकाने में मेरे सभी विद्यार्थियों, मेरे सभी स्टाफ मेंबर्स, SLC मेंबर्स, ग्राम पंचायत, आरोही सेल और शिक्षा विभाग का अहम योगदान रहा। 2013 जब हम लोग आरोही स्कूल में आए तो यहाँ पर हमारे बापोली ब्लॉक में शिक्षा का स्तर बहुत पिछड़ा हुआ था, खासकर लड़कियों की शिक्षा को लेकर। लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय घर के कामों में उलझा कर रखते थे, खासकर लड़कियों को, और जल्दी ही उनकी शादी कर देते थे। शिक्षा के प्रति उनकी सोच बदलने के लिए हम सभी ने मिलकर एक टीम तैयार की। उस टीम की सहायता हमने गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर सरपंचों और पंचों के माध्यम से आरोही स्कूल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में मुनादी करवाई गई और लोगों को शिक्षा के बारे में जागरूक करवाया गया, और ऐसे धीरे धीरे लोगों की सोच शिक्षा को लेकर बदलने लगी। सभी माता पिता ने अपने बच्चों को, लड़के लड़कियों को स्कूल में भेजना शुरू कर दिया। एक्सपर्ट्स के माध्यम से सेमिनार आयोजित करवाई गई, उसमें बच्चों के माता पिता को बुलाया गया, उनको समझाया गया एक बच्चे के जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है, कैसे वो शिक्षित होकर देश का सफल नागरिक बन सकता है, सिर उठाकर इस संसार में अपना परचम लहरा सकता है। और आज हमारे सफल प्रयासों से हमारे आरोही स्कूल की बेटियां अलग अलग क्षेत्रों में हीरो की तरह चमक रही हैं और एक काबिल इंसान बनकर हमारे आरोही स्कूल का और अपने माता पिता का नाम रोशन कर। क्योंकि संख्या मात्र 45 थी, स्कूल प्रिंसिपल श्रीमती हेमलता बाल्यान और स्टाफ मेंबर्स की लगन व अथक प्रयासों से हर वर्ष लड़कियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। फिलहाल स्कूल में 457 विद्यार्थी अपने भविष्य की नींव को तैयार कर रहे हैं। When I joined this school, we didn't have so many students. We faced so many problems. Yet today's are. We organized rallies, contacted sarpanches to aware the people of this educationally backward block about the importance of girls' education. We always provide quality education with advanced technology, and we will always try our best for the future of all the students who are taking education here. I hope we will always rock. हमारी लाइब्रेरी में 10,000 से भी ज़्यादा बुक्स हैं, जिसमें टेक्स्ट बुक्स, जनरल बुक्स, रेफरेंस बुक्स, मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल बुक्स जैसे भगवत गीता और सत्यार्थ प्रकाश भी शामिल हैं। समय समय पर रीडिंग प्रमोशन मंथ की एक्टिविटीज़ और कंपटीशन करवाए जाते हैं, जिसमें कि लड़कियां ही बाजी मारती हैं। और COVID-19 के दौरान ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों को बुक्स प्रोवाइड कराई गई ताकि पढ़ाई का कोई नुकसान न हो। इसके अलावा मैं धाकड़ टीम की भी इंचार्ज हूं, जिसमें आयुषर और मुस्कान मैम द्वारा लड़कियों को समय समय पर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है। उस टाइम हमें समझ में आ गया था कि हमें बहुत सा काम करना है, गर्ल्स एजुकेशन को लेकर लोगों की मानसिकताओं को बदलना है। सिर्फ हमें बच्चियों को पढ़ाना ही नहीं है, बल्कि उनके पेरेंट्स को भी, उनकी भी मानसिकताओं को बदलना है। वही लड़कियां सिर्फ अपने जिले में ही नहीं, राज्य में ही नहीं, बल्कि सेंटर में दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज में उनका एडमिशन हो रहा है, वो लड़कियां MBBS कर रही हैं। तो जब हम ये देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, हम सफल हुए हैं, कर रहे हैं। इन विद्यार्थियों में अब 197 लड़कियां हैं जो लगातार उज्जवल भविष्य के लिए जागरूक की जा रही हैं, ताकि वे अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का डटकर सामना कर सकें। आरोही स्कूल को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। स्कूल नीति आयोग द्वारा स्थापित अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं आधुनिक शिक्षा प्रदान कर रहा है। यहाँ पर आधुनिक एवं तकनीकी उपकरणों से सुसज्जित लैंग्वेज लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, फिजिक्स लैब, ई लाइब्रेरी, IT लैब, जियो लैब और स्पोर्ट्स लैब उपलब्ध हैं। स्मार्ट और डिजिटल बोर्ड्स, प्रोजेक्टर्स आदि से सुसज्जित हैं, जिनके माध्यम से अनुभवी अध्यापकों द्वारा क्वालिटी एजुकेशन प्रदान की जाती है। सभी लैब्स में विद्यार्थी शिक्षकों की निगरानी में प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करते हैं। आरोही ने हमें जीना सिखाया है, आरोही से हमने सब कुछ पाया है। समय समय पर हमारे स्कूल में म्यूजिक से रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं,
और जो गवर्नमेंट के कॉम्पिटिशन है जैसे कि कला उत्सव, टैलेंट सर्च, कल्चरल फेस्ट, ऐसे कॉम्पिटिशन में हमारे स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। आज जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी तक उनके एडमिशन हो रहे हैं, साइंस की लाइन में आगे जा रहे हैं, हर एक एक्टिविटी में आगे वो बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य की जांच पड़ताल के लिए रेड क्रॉस रूम की व्यवस्था की गई है। विद्यालय के शुद्ध वातावरण के लिए इको क्लब बनाया गया है। फिटनेस के लिए योगा क्लासेस लगाई जाती हैं। समय समय पर विद्यार्थियों को एडवेंचर कैंप, एजुकेशनल टूर्स एंड ट्रिप्स पर ले जाया जाता है। हर वर्ष हमारे स्कूल की छात्राएं लीगल लिटरेसी प्रोग्राम के तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेती रहती हैं। लीगल लिटरेसी प्रोग्राम द्वारा छात्राओं को उनके मानवाधिकारों, मौलिक कर्तव्यों, कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, शिक्षा का अधिकार आदि के विषय में जागरूक किया जाता है। आज विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा का युग है। स्कूल में रोबोटिक लैब में छात्राएं आकर काम करती हैं। सेंसर्स ऑर्डिनो का प्रयोग करके नए नए प्रोजेक्ट्स बनाती हैं। छात्राओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा दी जा रही है जिससे वो आने वाले समय में इसमें अपना करियर चुन सके, उनका सर्वांगीण विकास होता है जिससे वो विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ सके और उन्नति कर सके। के अंदर जो आईटी है वो 9 क्लासेस स्टार्ट है, 9 to 12, उसमें लेवल 1, 2, 3 और 4 होते हैं और बच्चे को लेवल 2 और लेवल 4 के बाद सर्टिफिकेट दिए जाते हैं जिसके बेस पर बच्चे को आगे प्लेसमेंट मिलती है। जैसे हमारे यहाँ पे बच्चा था लास्ट 2 ईयर पहले, वो लेवल 4 का जो सर्टिफिकेट है उसके बेस पर उसकी NSKF जो NFL है पानीपत के अंदर उसमें उसकी प्लेसमेंट हुई है। और लास्ट एक बच्ची थी मुस्कान, उसका भी HCL TechB के अंदर ही अब NSKF के तहत ही सिलेक्शन। लीगल लिटरेसी सेल की स्थापना की गई है जिसमें लड़कियों के आत्मविश्वास को बढ़ाकर बुरे से बुरे हालातों से लड़ना सिखाया जाता है और कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने का कौशल विकसित किया जाता है। प्रिंसिपल मैम के मार्गदर्शन में हमने गांव-गांव जाकर लड़कियों के माता पिता को उनकी शिक्षा के प्रति जागरूक किया। जैसे अब पीछे 2020-21 में हुए नॉर्थ जोन जूनियर स्टेट लेवल पर हमारी स्कूल की एक लड़की आंचल ने 800 मीटर में गोल्ड मेडल प्राप्त किया और उसके बाद वो नेशनल लेवल पर सिल्वर मेडल प्राप्त कर आई और उसने स्कूल का नाम रोशन करते हैं। 22 जनवरी 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान की शुरुआत पानीपत से ही की थी। उसके बाद से ही हर स्कूलों में एक ऐसा मंच तैयार करने के लिए कहा गया जहाँ बच्चियाँ अपने मन की बात रख सके। तो ये बताते हैं कि आप भी समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, अपने आप को किसी भी तरह से कम ना समझें। हम लड़कियों की सुरक्षा के लिए समय समय पर अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और सरकार द्वारा बताए गए कानूनों को बताते हैं ताकि अगर उनके साथ मिस हैपनिंग होती है तो वो बिना झिझक के अपने मम्मी पापा अपने टीचर्स को बता पाए। मैं अपने बच्चे के लिए यहाँ भविष्य के लिए बेफिक्र हूँ क्योंकि यहाँ पर यहाँ पढ़ के मेरा बच्चा अच्छी तरह कामयाब हो जाएगा। लड़कियों के लिए जी यहाँ अच्छी सुविधा है, बहुत ख्याल रखा जाता है जी लड़कियों का। दूसरे गवर्नमेंट स्कूल भी देखे हैं, वहाँ का माहौल थोड़ा अलग है लेकिन यहाँ का जो माहौल है बहुत अच्छा है। भागवत में कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु साक्षात परब्रह्म परमेश्वर। यहाँ के जो टीचर हैं दिलो जान से पढ़ाई करवाओ जी। पढ़ाई बहुत अच्छी है, टीचर बहुत अच्छे है। लॉकडाउन के दौरान एक एक बच्चे पर निगरानी करके उन्होंने जो मेहनत की है इन सभी के लिए आज मैं सभी अभिभावकों की तरफ से आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का सहदिल से धन्यवाद करता हूँ। और शिक्षा बहुत अच्छी यहाँ पर मिलती है। स्कूल की जो प्रिंसिपल, स्कूल का हर टीचर अपने आप में एक मिसाल है। इस स्कूल की छात्राएं शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ स्पोर्ट्स और अन्य सांस्कृतिक कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं। I think the golden period of my life is my school life and school हमें free education देता है 8th class तक और free of cost देता है। बिल्कुल आपको books और सारी चीज़ें मिलेंगी। parents को भी घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि parents जो हैं वो हमेशा हमारे the best सोचते हैं। मैं PG college से graduate हूँ, आगे मैं PG के लिए अपना apply कर रही हूँ फ़ोन से स्पेशली ऑस्ट्रेलिया से और अभी मैं मेरी जो फाउंडेशन है वो इसी स्कूल से बनी है। गर्ल्स चाइल्ड के साथ वो भेदभाव किया जाता है, उनको आगे पढ़ने के लिए यहाँ की सामाजिक मान्यताएं रूढ़िवादिताएं उनको रोकती हैं। उन सभी से हमें उन चैलेंजों को हमने स्वीकार करते हुए आरोही मॉडल स्कूल में लड़कियों के सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें सुरक्षित और संरक्षित माहौल हमने प्रदान किया। इंग्लिश मीडियम में ये एक पहला स्कूल है जो हमारे बच्चों पर पूरा ध्यान देता है। I found myself.
myself under the supervision of very talented, kind and cooperative teachers. Arohi School made me more confident, more hardworking, more determined, has taught me to be self-motivated, to never give up. I have seen most of my teachers being women and absolutely rocking at their various jobs and positions. My parents being teachers themselves, they were very confident about providing me a very good education through Arohi Model School. Arohi Model School is one of the best schools where any student can get best education and most supportive staff. Arohi School provides me a platform that enhances my own abilities. Here all the teachers loves and encourages us. Arohi Model School gives me immense opportunities in the academics and non-academics domain. हमारे अंदर talent था, हमारे teachers ने हमें तराशा. मेरे अध्यापकों ने मुझे अक्सर के एग्जाम में पास होना ही नहीं बल्कि जिंदगी के इम्तिहान में पास होना सिखाया है। जो आज तक मेरे कॉन्टेक्ट में है, जो आज भी जब मुझे मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है तो मेरा मार्गदर्शन करते हैं, मुझे निर्देश देते हैं कि मुझे आगे फ्यूचर में किस तरीके से अपना कोर्स सिलेक्शन करना है। आरोही स्कूल लड़कियों की पढ़ाई के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करता रहेगा और निरंतर आगे की ओर बढ़ता रहेगा। मैं आरोही, मेरा गंतव्य ज्ञान की गहराई, सफलता की ऊंचाई, सही गलत की सच्चाई, निरंतर गतिमान, ऊर्जावान, लक्ष्य भेदी, विवेकशील, बिना डरे, बिना रुके, बिना थके, परिश्रम करूं, निपुण बनूं, मन से, वचन से, कर्म से, श्रेष्ठता को अग्रसर रहूं, मैं आरोही।